हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? एट फर्स्ट अमीना थिंक ए नंबर, लेट नंबर बी यस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, दैट इज यस माइनस 5/2। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। आफ्टर दिस सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8। The result now obtained is 3 times the same number she thought of. The result will be 3 times of the same number, that is 3x. What is the number? This is the equation. Or now you have to multiply 8 into x, kya ho gaya? 8x minus 5/2 into 8 equal to 3x. Or क्या लिख सकते हैं? 8x माइनस 2 फोर जा क्या होता है ये 8, तो 5 फोर जा कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 3x। अब क्या करेंगे, सिमिलर टर्म को एक साथ कर देते हैं और 8x माइनस 3x इक्वल टू 20। 20 राइट हैंड साइड में आकर पॉजिटिव हो गया और 8x माइनस 3x इक्वल टू 5x इक्वल टू 20। देयरफॉर x इक्वल टू 20 बाय 5, 5 फोर जा 20 इक्वल टू 4, दस द नंबर इज 4। नाउ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? At first, let the number be x and 5x. Why x and 5x? Because it is given the quotient that a positive number is 5 times another number. Now, according to quotient, if 21 is added to both the numbers, now add 21 to both the numbers, 5x plus 21, x plus 21, then one of the new numbers becomes twice the other new numbers equal to twice the other new number. This is the equation. Or 5x plus 21 equal to 2 into x kitna ho gaya? 2x plus 21 into 2, 42. और 5x राइट हैंड साइड से 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं और ये बन गया माइनस 2x इक्वल टू 42 माइनस 21। 21 को हम किधर लिए? 21 को हम राइट हैंड साइड में लेकर आ गए हैं और 5x माइनस 2x, 3x इक्वल टू 21। 42 माइनस 21 इक्वल टू 21। Therefore, x equal to 21 by 3, 7 3 is 21 equal to 7. Thus, numbers are, first number is x, so 7. And second number is 5x, so 7 into 5, 35. That is the answer. Exercise 2.4, question number 3. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? 2-digit number. Example हम लेते हैं, 2-digit number form कैसे होता है? देखे 35 दी example. 35 में 5 क्या है? ये 1's place पे है and 3 जो है, ये 10's place पे है. यानि number 1 कैसे रहा है? 3 into 10. प्लस 5, 35 बना 3 इंटू 10 प्लस 5,
यानी जो टेंथ डिजिट पे जो नंबर है उसको 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना होता है, तभी वो टेंथ डिजिट का नंबर कहलाएगा। और इस तरीके से टू डिजिट नंबर फॉर्म होता है। यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू एक्स एंड टेंथ प्लेस डिजिट इक्वल टू, यहां पे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। यहां पे देखिए कोई नंबर ले लिया, इस प्लेस पे एक्स है और ये यहां देखिए जो टेंथ प्लेस पे जो नंबर है इसको और एक्स को मिलाकर 9 है, तो टेंथ प्लेस का नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस एक्स और टेंथ प्लेस डिजिट इक्वल टू 9 माइनस एक्स। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10, यहां देखिए 10 इंटू ये जो टेंथ प्लेस का नंबर जो है वो आया है 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस यूनिट प्लेस नंबर एक्स इक्वल टू 10 9 जा 90 माइनस 10 इंटू एक्स 10 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 90 माइनस माइनस 10 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 9 एक्स। अगेन व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, एट फर्स्ट ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिजिट को हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू यूनिट प्लेस वाला नंबर 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10 एक्स प्लस 9 माइनस एक्स 9 माइनस एक्स 10 एक्स माइनस एक्स कितना हो गया 9 एक्स प्लस 9। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27 और न्यू नंबर कितना आया है 9x प्लस 9, 9x प्लस 9 इक्वल टू ओरिजिनल नंबर कितना है 90 माइनस 9x प्लस 27 और 9x प्लस 9 इक्वल टू 90 प्लस 27 कितना हो गया 117 माइनस 9x। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से 9x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 9x प्लस 9x इक्वल टू 117 एंड कांस्टेंट जो 9 जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा 117 माइनस 9 और 18x इक्वल टू 117 माइनस 9 कितना होगा 108। देयरफॉर x इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 18, 108 को जब 18 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 18 6 जा 108 इक्वल टू 6। देयरफॉर यूनिट प्लेस का नंबर क्या हो गया, यूनिट प्लेस नंबर 6 आया एंड टेंथ प्लेस नंबर कितना हो गया, टेंथ प्लेस नंबर इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। सो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 30 इक्वल टू 36।